हाँ सेटिंग भी करें कोई बात नहीं, शॉर्ट भी फुल एक्स मारे, ट्रिपल एक्स रोले कर दे उसको भी। चल स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम टू द कैरावैन पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2 यानी के नंबर 2। और फिर से हम अपने एक लीथल मेहमान के साथ मौजूद हैं जो पहले एपिसोड में भी हमारे साथ थे, अभी जाने लगे थे, इन्हें हमने रोक लिया कि भाई ठहर जाएं, एक आधी गुफ्तगू और भी हमारे साथ फरमा लें थोड़ी देर के लिए। तो जो ये मौजू ये इन, 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 इनकी तजवीज़ है कि यार इस पर बात करना चाह रहा हूँ मैं, तो ठीक है आप ही बताएं फिर क्या किस पर बात होगी आज। सर बात यह है, क्या है वही मैं पूछ रहा हूँ, बात क्या है? एक इंसान स्टूडेंट लाइफ गुजारता है, ठीक है, अच्छी होती, बहुत अच्छी लाइफ है, चाहे वो स्टूडेंट है या नहीं है, जो भी अनपढ़ है या जाहिल, जो उस तरह में मतलब कुवारा बंदा है, बहुत अच्छी लाइफ है। आप घर चले जाते हैं, आपको पूछते नहीं हैं, क्यों हैं, मतलब रात बाहर हैं तो घर वालों को पता, ठीक है जी आप बाहर हैं, अच्छा कोई पूछता नहीं, पूछते कि कहां से आ रहे हो, मतलब नहीं इतना, मैं कह जाए मुंह ही नहीं लगाते, नहीं नहीं घर में तो सारे लगाते हैं यार, ये बात नहीं है कि नहीं, उसमें ये भी होता है कि आप कुंवारे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई आगे पीछने वाला, ना कुछ है, बस पर आपको पेरेंट्स हैं, चिल है, यानी चिल माहौल है, खुला माहौल, खुला माहौल, करो जो टेंशन नहीं। जो आजकल हमारे टैलेंट, पहले शादी कर लो जी, शादी कर लो जी, शादी कर लो जी, यार शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ना करें, आप इस काबिल हैं कि उसको निभा सकेंगे, ये मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल हाँ, मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, जैसे ही मौका मिला मैं जरूर करूंगा। अच्छा शादी में सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, कुंवारा बंदा होता है पहले आता है, आते साथ ही पहले अपनी मम्मा से मिलता है, हाय मम्मा, पापा से मिलता है, हाय पापा, ठीक है, बड़ी स्कूल लाइफ होती है, हाय मम्मा, हाय पापा, शादी हो जाए उसके बाद कितने मम्मा कितने पापा, पहले ही दिल करता है अपनी बेगम का चेहरा देखने को, यार नहीं यार इतना भी माँ बाप कहाँ, तो बेगम हकीकत है, वो इतने भी बदीद नहीं होते यार, लोग क्या हो गया, आपकी सोच है, शादी से पहले आप कुछ होते हैं, शादी के बाद फौरन मम्मा पापा गए, बेगम मैं आ गया, वो तो पेरेंट्स में तो फर्क आता है ना, आप पहले अच्छे जवान होते हैं, आप ये देखें ना, जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपकी इतनी देखभाल की, इतना कुछ किया आपके लिए, पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी आपके लिए, तू पैदा ऐसे तो नहीं ना किया, वो पैदा करने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी ना, आपने भी तो कुछ करना होगा ना आगे, शादी बिल्कुल करनी, हाँ ना, लेकिन उसमें जो आपके रूल्स हैं वो तो ना भूलें, आप पहले भी माँ बाप को मिलते थे आते साथ ही, लेकिन अब आप पहले बीवी का चेहरा देखते हैं यार, आपकी बीवी ना बैठी हो तो आप माँ बाप को बुलाना ही पसंद नहीं करते यार, तो डिजाइन घर, तो आप पहले घर पहुंचते ही सोच सकते हैं यार, लगता है जब मेरी माँ ने कोई ना कोई बंब जरूर पाड़े होना, जड़ी मेरी बुढ़ी नहीं बेचकार बैठी, बंब कैसा बंब, मतलब सास बहू की जिस तरह लड़ाई हो जाती है, अच्छा वो बंब, ठीक है, तो इंसान को शादी का मतलब है एक जिम्मेदारी, ये नहीं है कि अपने माँ बाप को ही छोड़ दो, नहीं ये तो सही, सबसे बड़ी बात जो है इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ, क्योंकि जिन्होंने पैदा किया आपके लिए, सारी जिंदगी की है आपके किया, उसके लिए तो होना चाहिए, तो आजकल जो है नया टैलेंट है, उसके बाद बेगम का रात को फोन आता है, जी आप कितने बजे आ रहे हैं जी, अच्छा जी खाना, मैं कुछ नहीं बनाया आज, आप बाहर से ले आए, यही चीज़ अगर आपकी मम्मा को या पापा को पता चलेगी ना, उनको गिल्टी फील होगी कि यार पहले आता था हमारे घर से, हमारे हाथों से खाना खाता था, आज बहू आई है ना हमारे पास बैठता है, ना हमें टाइम देता है, ना खाना खाता है, बस एक फ़ोन घुमाया खाना बाहर से आ गया, अच्छा तो बीवी भी तो नहीं खिला रही ना, वो बंदा बेवकूफ़ है ना, फिर वो भी तो हाथ से नहीं खिला रही, तो जो खिलाते हैं उनके पास चला जाए, बंदा तो बेवकूफ़ है ही है, साथ अपनी बीवी को भी ख़राब कर रहा है, उसको चाहिए खुद फ़ोन करे कि बेगम क्या पकाया है, अच्छा मेरी माँ के लिए आपने क्या किया है, ठीक है कि नहीं, बेसिकली उसका हक नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है पूछना, नहीं ये हक है, पूछ सकता है बंदा, माँ बाप की जिम्मेदारी बेगम का हक नहीं है आपकी कि वो आपके माँ बाप को संभाले या कुछ करे, आपकी जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को देखना, बीवी का नहीं होता, बीवी का नहीं होता, नहीं वो सास बहू उसकी जिम्मेदारी नहीं, वो बीवी का ही होता कि आपकी मिसिज अच्छी हैं,
बहुत ही अच्छी हैं, तो मतलब एक एहसास है तो वो अपना कर सकती है कि यार जिस तरह मैं अपने पीछे माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, ये भी मेरे माँ बाप ही हैं, ये भी मेरी फैमिली है। यानी हुकूक में शामिल नहीं है सास और ससुर करके बहू इनका ख्याल रखे या इनको करे, वो नहीं है राइट्स में, राइट्स में नहीं है। नहीं, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, वैसे ये अभी क्लियर नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आप शादी करते हैं उसके लिए ये नहीं कि घर में आप एक मुलाजमत ले आए कि यार आप नहीं, आप ये खाना पकाएंगी या ये करेंगी, आप इनको पालेंगी, वो उसका अपना राइट्स है। वो तो फिर बंदा काम वाली से शादी कर ले, मुलाजमत ही लेके आनी है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है, लेकिन उसमें एक औरत के इतने को होते हैं कि यार एक मैं किसी के घर में जा रही हूँ, मैंने कैसे रहना है, मेरी सास किस तरह की या मेरी ससुर किस तरह के हैं, मेरे मियाँ किस तरह के हैं। अब लड़की अपने घर से आती है जिस तरह मर्जी अपने घर में करती है, जो मर्जी करती है, आगे जाके वो चीज़ नहीं होती। आगे जाके सास कहती है मेरी बहू आई है, मेरे नक्शे कदम पे चले, मैं जिस तरह कहूँगी वो करे, ठीक है। तो बंदा नक्शे ठीक कर लेना, इसमें घूमना फिर मैं खुद सारा जो है पहले सेटिंग करनी पड़ती है इस चीज़ की, खुद समझाना पड़ता है। किसको? बेगम को। अच्छा, कि बेगम ये मेरी फैमिली है, ये मेरी अम्मा है, ये मेरे अब्बा है, इनको नहीं छोड़ सकता। तो अरेंज में तो मौका ही नहीं मिलता कुछ समझाने का, जैसे यहाँ पे शादियाँ होती हैं पता ही नहीं होता कौन है क्या है। उसमें आपके पास बहुत टाइम होता है। किस कहाँ टाइम होता है, मैंने पढ़े देखे बेचारे उनको टाइम ही नहीं मिलता, वो तो मुँह ही तब देखते हैं जब वो कुंगड़ चुक दे, जो मर्जी चुक दें, मतलब पता कुछ भी नहीं होता। तो क्या उसमें तो टाइम ही नहीं है समझाने का, क्या बात करें टाइम। यानी लव मैरिज करे बंदा फिर, उसमें तो बहुत टाइम गुजारा होता ना पहले। लव मैरिज में आप देख लें 100 से 25% लोग कामयाब होंगे लव मैरिज में। तो अरेंज भी मैंने इतनी अरेंज में 100 में से 75 पास हुए होंगे। नहीं अरेंज, लेकिन अरेंज में सबसे ज्यादा है। यानी फेल होती है ना अरेंज में? अरेंज में होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। वो तो हम फंसे रहते हैं उसमें। सबसे बड़ी जो बात है ना, लोग क्या कहेंगे ये वो, सबसे बड़ी बात है एक लोगों का जो दिमाग का कीड़ा है, कहते हैं माँ बाप मिल जाते हैं, बीवी मतलब माँ बाप नहीं मिलते, बीवी कहीं भी मिल जाती है। हैं क्या मतलब? मतलब कहीं भी मिल जाती, क्या मतलब? बीवियां बहुत मिल जाती हैं यार, ठीक है, माँ बाप आपको नहीं मिलते। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक आप हो रहे हैं, अगले आवाम लीथल हो जाएगी, आप बता रहे हो। मैंने एक शो था एक्सप्रेस पे, समा पे, सॉरी समा पे सुबह टाइम चल रहा था, वहाँ पे एक भाई साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा यार माँ बाप एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो एक दफ़ा चले जाएं दोबारा नहीं कभी मिलते, ठीक है बात, बीवी आपको छोड़ दोगे दोबारा भी मिल जाएगी, ठीक है, यानी चेंज, एक छोड़ोगे दूसरी मिल, चेंज करते रहो, दूसरी मतलब छोड़ोगे तीसरी मिल जाएगी, यानी चार की इजाज़त है तो चार करके देख लो, करके देख लो, यानी कि चार ही रख लेना, चार ही छाड़ देने, यानी वन एट अ टाइम, हाँ हसबे जायका, बिल्कुल। लेकिन उसमें मैं एक बहुत बड़ा सवाल करना चाहूँगा। करें करें आप करें। सवाल ये है, एक आपकी माँ है जिसने आपको पैदा किया है, ठीक है, आप बड़े होते हैं शादी करते हैं, आपकी बीवी है, अगर वो एक माँ बन जाती है तो आप क्या सोचते हैं, अपने माँ बाप को रखेंगे या अपनी बीवी को रखेंगे? दोनों को रख लें। अगर दोनों की आपस में बनती ना हो तो आप किसी सुनेंगे, अपने माँ बाप की सुनेंगे या बीवी की सुनेंगे? वो किसी सियाने बंदे के पास जाए जो उसको अकल दे, फिर सेटिंग करें। लेकिन आजकल जो हो रहा है कोई सुन नहीं, माँ कहती बेटा। तो इसमें शादी का तो कसूर नहीं है ना, लोगों का मसला यार, कसूर लड़की का भी नहीं है ना जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो बंदे की नहीं हो रही, बंदे की क्या हो रही है? एक आप ये देखे ना कि यार पैसे अपने माँ बाप को आप बचाने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते, अपने बच्चों तक को नहीं देखते यार। आप कहते हो कि यार माँ बाप कभी कभी मतलब एक दफा ही मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते, बीवी बार बार मिल जाती है। तो इसमें आप ये सोचो कि एक आपकी बीवी भी एक माँ है, आपके बच्चे का क्या रोल होगा आपके बारे में, आपके बच्चे का क्या रोल होगा? लेकिन इसमें शादी का क्या कसूर है, शादी क्यों बदनाम हो रही है बेचारी? इसी वजह से ही हो रही है। तो ये हम बंदे खराब है ना, बंदे को चाहिए माँ बाप को अपनी जगह रखे, और बीवी अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही उसको एक साइड पे कर दे, ना लेदा कर ले, लेकिन एक साइड पे उसको समझाए, एक और कर ले, उसको पारक कराए, एक और कर। इन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, इन्होंने कहा चेंज करते रहे। नहीं नहीं, बीवी ना चेंज करें यार, मैं बीवी का नहीं कह रहा। अब आप माँ बाप तो चेंज हो ही नहीं सकते, माँ बाप तो नहीं हो सकते, ऑप्शन क्या बचती है, बंदा बीवी चेंज करे। अगर आपके 3-4 बच्चे, आप बीवी चेंज कर लेंगे यार, बच्चों का नहीं सोचेंगे, बच्चे कल को यही सोचेंगे कि मेरा बाप इतना कमीना था,
मेरे दादा दादी को छोड़ दिया, मतलब उनके लिए मेरी माँ को छोड़ दिया। आखिर वो भी तो एक माँ है ना, आपके बच्चे भी तो कहेंगे ना कि मैं अपनी माँ की सुन। अच्छा चलें, ये वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इन शॉर्ट बता दें जी, ब्याह कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? इसमें दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, बंदे भी दो ही हैं, बी या बीवी, मियाँ बीवी, ठीक है। माँ बाप का ख्याल रखना लड़के का काम होता है, अपने पेरेंट्स को देखे। अगर बीवी को माँ कह रही है ना कि इसको छोड़ दो, तो वो कह सकता है कि माँ मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं छोड़ सकता, ना आपको छोड़ सकता ना उसको छोड़ सकता हूँ। हाँ, आपको उससे मसला है, मैं इसको साइड पे ले जाता साइड पे, किधर अलहदा घर ले ले, तो माँ बाप तो छूट जाएंगे, अलहदा घर ले ले। मतलब उसमें यार हक ये है कि आप ऑफिस से आए, काम से आए, पहले अपने माँ बाप से मिले, ठीक माँ बाप से मिल के फिर आप घर चले जाएं। आपकी एक औरत की जिंदगी बच सकती है, बदतर होने से बच सकती तो है। बंदा घर ही ऐसा बना ले कि आप एंटर हो, पहले अम्मियों का कमरा हो, बाद में बीवी का कमरा हो, अम्मी अब्बू से बिल्कुल, मिलो उधर, ऐवी बंदा ऑफिस से निकले फिर उधर जाए फिर उधर जाए, मतलब एक घर में पार्टीशन हो सकती है। बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं, पार्टीशन भी कर पार्टीशन, सकते हैं। इतनी खून बह जाता है पार्टीशन होते होते, क्या कह पार्टीशन रहे हैं? आप इस तरह ना ना करें कि दीवारें कर दें, आप फिर एक कमरे लैदा लैदा कर लें, धागा लगा दें, कमरे लैदा लैदा कर लें ठीक है, कि यार ये कमरा आपका है, ये कमरा आपका है, ठीक है, ठीक है, मुंह नहीं लगाना बस आपस बस आप बात ना करो। अल्लाह ताला तो का फिर फजल फायदा हो उसको लाने का बीवी उसमें को। ये होता है कि एक औरत कब तक चिड़चिड़ी रहेगी यार, आखिर उसको ये समझ तो आ जाएगी नहीं यार, ये मेरे जिस तरह मेरे पहले माँ बाप थे उसी तरह ये भी मेरे पेरेंट्स हैं, कि मैं इनके साथ जितनी देर जिंद कितनी देर जिंदगी रोई थी। 45 साल के बाद तो वैसे इंसान कट है, ठीक है, 45 साल के बाद, 50 साल के बाद तो वैसे ही बंदा फारिग है। यानी शादी भैया ने रिस्क पे ही है, आप अगर इंसान के पुत्र हैं तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, नहीं है तो फिर खजल खराब भी होगी। तो तुक्का मार के देख लें, अल्लाह बेहतर करेगा। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ही हाफिज़।